भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना का मुद्दा उठाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ईश निंदा कानून का इस्तेमाल कर अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार का हनन कर रहा है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ नफरत की भाषा बोलनी बंद करनी चाहिए और पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। आइए अब आपको बता दें कि ईश निंदा कानून आखिर है क्या। ब्रिटिश रूल में बनाया गया ये कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता था। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पूजा में खलल डालता है, किसी पूजा की वस्तु या जगह को नुकसान पहुंचाता है या फिर धार्मिक सभा में खलल डालता है तो उसे दंड दिया जाता था। उस समय इस कानून के तहत 1 से 10 साल तक की सजा दी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान में इस कानून का सख्त इस्लामीकरण किया गया और अब पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद या अल्लाह की तौहीन करने पर मौत की सज़ा आम हो गई है। पाकिस्तान में ज़िया उल हक की सैन्य सरकार के दौरान सन 1980 में शुरुआत में पाकिस्तान की दंड संहिता धार्मिक मामलों से संबंधित अपराधों में कई धाराएं जोड़कर ईश निंदा कानून के इस्लामीकरण का जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद 1986 तक इसमें 6 अन्य धाराएं जोड़ दी गईं और ईश निंदा के अपराध में उम्र कैद और मौत की सज़ा शामिल की गई। इस कानून का इस्तेमाल पाकिस्तान में 1973 में गैर मुस्लिम घोषित किए गए अहमदी समुदाय, हिंदुओं, ईसाइयों और बाकी अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर होता रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को लेकर आलोचना होती रही है। अब जानते हैं कि भारत ने यूनाइटेड नेशन में क्या कहा है। इंडियन काउंसलर पॉलमी त्रिपाठी ने यूनाइटेड नेशन हाई लेवल फोरम पर अपने विचार रखते हुए कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक्सर यूनाइटेड नेशन के मंच पर भारत के विरुद्ध हेट स्पीच देता है। इसके बाद पॉलमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में भी बात की। उनके मुताबिक पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति हमेशा से बुरी रही है, लेकिन हाल फिलहाल में यह स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। वहाँ लड़कियों और महिलाओं का अपहरण होता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करवा कर उन्हीं आरोपियों से उनकी शादी करवा दी जाती है। पॉलमी त्रिपाठी ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण स्थिति अब और बदतर हो गई है।